दोस्तों आज के वीडियो में हम इंडियन रेलवे में आज तक यूज हुए जितने भी लोकोमोटिव हैं सारे लोकोमोटिव के बारे में जानेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में होंगे, एक में डीजल लोकोमोटिव का डिटेल्स रहेगा, दूसरे में इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का डिटेल्स रहेगा। दोस्तों आपको इन लोकोमोटिव में से जिस लोकोमोटिव पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम लोकोमोटिव के क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं ताकि जो भी मैं बोलूं उसे समझने में आसानी हो। लोकोमोटिव दो टाइप के होते हैं, डीजल और इलेक्ट्रिकल। इन दोनों लोकोमोटिव को उनके लोड खींचने के आधार पर तीन टाइप में बांटा गया है। ऐसे लोकोमोटिव जो गुड्स ट्रेन के लिए यूज होते हैं उन्हें जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पैसेंजर ट्रेन के लिए यूज होते हैं उन्हें पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो गुड्स और पैसेंजर दोनों के लिए यूज होते हैं उन्हें एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव तीन टाइप के होते हैं, एसी से चलने वाले, डीसी से चलने वाले और एसी और डीसी दोनों से चलने वाले। आज के वीडियो में हम डीजल लोकोमोटिव के बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीजल से चलने वाले मिक्स टाइप लोकोमोटिव की, जिसमें पहला है WDM1। ये भारत का पहला डीजल लोकोमोटिव है जिसका आउटपुट पावर 1900 HP, प्रोडक्शन पीरियड 1957 से 1959 तक था। टोटल 110 यूनिट बने थे और इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। दूसरा है WDM2 जिसका आउटपुट पावर 2600 HP का था, प्रोडक्शन पीरियड 1962 से 1968 तक। इसके टोटल 2700 से अधिक यूनिट बने थे, इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर की थी। WDM2A और 2B, ये WDM2 के टेक्निकल वेरिएंट थे जिसे WDM2 के शॉर्ट हुड के रिप्लेस करके एलिफेंट जैसा बनाया गया था और एयर ब्रेक के फंक्शन में चेंजिंग की गई थी। WDM2G जिसे कि मल्टी जेनसेट भी बोला जाता है, इसका रेटेड आउटपुट पावर 2400 HP का था, प्रोडक्शन पीरियड 2013, प्रोडक्शन इसके दो यूनिट हुए थे और टोटल मैक्सिमम स्पीड जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। WDM3, इस लोकोमोटिव को बाहर से इम्पोर्ट किया गया था, रेटेड पावर 2300 HP की थी, प्रोडक्शन पीरियड 1970 था, टॉप स्पीड 120 किलोमीटर की थी। WDM3A रेटेड पावर 3100 HP की, प्रोडक्शन पीरियड 1996 से 1998 तक था और इसके टोटल 158 यूनिट बने थे जो कि बनाए गए थे और 700 यूनिट रीबिल्ड किए गए थे WDM2 से। इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। WDM3B इसे गजराज के नाम से भी जाना जाता है, रेटेड पावर 3100 HP की थी, प्रोडक्शन पीरियड 2005 से 2006 था, इसके टोटल 23 यूनिट बने थे, इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। WDM3C रेटेड पावर 3300 HP का था, प्रोडक्शन पीरियड 2002 था, इसके टोटल 54 यूनिट बने थे जो कि रिबिल्ड किए गए थे WDM2 से, इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। WDM3D रेटेड पावर 3300 HP का, प्रोडक्शन पीरियड 2003 से अभी तक हो रहे हैं, प्रोडक्शन जो है 344 यूनिट हुए हैं, इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। WDM3E WDM3D पर ही एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था, रेटेड पावर 3500 HP का, प्रोडक्शन पीरियड 2008 था और इसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर की थी। WDM4 ये भारत का फर्स्ट EMD लोकोमोटिव था, रेटेड पावर 2600 HP की थी, प्रोडक्शन पीरियड 1962 था और इसके टोटल 72 यूनिट बनाए गए थे जो कि सभी के सभी इंपोर्ट किए गए थे, टॉप स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। WDM5 इस नाम का कोई लोकोमोटिव इंडिया में नहीं था। WDM6 रेटेड पावर 1350 HP, प्रोडक्शन पीरियड 1982 और इसके टोटल 2 यूनिट बने थे, ये लोको संटिंग या मेंटेनेंस में यूज किया जाता था। WDM7 रेटेड पावर 2000 HP, प्रोडक्शन पीरियड 1987 से 1989 तक था, इसके टोटल 15 यूनिट बने थे जो कि अभी सर्विस में है, इसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। अब बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव की जो कि पैसेंजर ट्रेन के लिए यूज किए जाते थे, जिसमें पहला है WDP1, ये एल्को मॉडल लोकोमोटिव था, इसका आउटपुट पावर 2300 HP का था, प्रोडक्शन पीरियड 1995 से 1999 तक था, इसका टोटल 69 यूनिट बने थे और इसकी टॉप स्पीड 140 किलोमीटर की थी। WDP2 जिसे बाद में इंडियन रेलवे ने WDP3A के नाम भी दे दिया था, ये एल्को मॉडल था, इसका रेटेड पावर 3100 HP का था, प्रोडक्शन पीरियड 1999 से 2002 तक और इसके टोटल 69 यूनिट बने थे, टॉप स्पीड 160 किलोमीटर की थी। WDP4
ये EMD का GT46 PSE मॉडल था जिसमें सिंगल कैब थे। रेटेड पावर 4000 HP का, प्रोडक्शन पीरियड 2002 से 2011 तक। इसके टोटल 102 यूनिट बने थे। इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर की थी। WDP-4B रेटेड पावर 4500 HP, प्रोडक्शन पीरियड 2010 से अभी तक हो रहे हैं। इसके टोटल 85 से अधिक यूनिट बन चुके हैं। इसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। WDP-4D जिसपे डुअल कैब दिए हुए थे, रेटेड पावर 4500 HP का, प्रोडक्शन पीरियड 2010 से अभी तक है। इसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और इसका प्रोडक्शन 245 से अधिक यूनिट बन चुके हैं। अब बात करते हैं डीजल गुड्स ट्रेन की। तो पहला WDG-1, इस क्लास का कोई लोकोमोटिव इंडिया में नहीं बना था। फिर आता है WDG-2, जिसे की WDG-3A या एल्को मॉडल, जिसे शक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसकी रेटेड पावर 3100 HP की थी। प्रोडक्शन पीरियड 1995 से अभी तक हो रहे हैं और इसके टोटल 1171 से अधिक यूनिट बने हैं। इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर की थी। WDG-3B, WDG-3C एंड WDG-3D ये एक्सपेरिमेंटल वेरिएंट थे WDG-3A का, जिसका रेटेड पावर 3200 HP का था, प्रोडक्शन पीरियड 2004 का। WDG-4 ये EMD मॉडल था, रेटेड पावर 4000 HP का, प्रोडक्शन पीरियड 1999 से 2012 तक। इसके टोटल 431 यूनिट बने थे। WDG-4D जिसे कि विजय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूरा का पूरा इंडिया में बनाया गया था। इसमें TFT डिस्प्ले स्क्रीन से कंट्रोल पैनल दिया हुआ था। रेटेड पावर 4500 HP का, टॉप स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। प्रोडक्शन पीरियड 2013 से थे और इसके टोटल 215 से अधिक यूनिट बने थे। WDG-5 जिसे कि भीम के नाम से जाना जाता है, ये EMD मॉडल था। इसका रेटेड पावर 5500 HP का था, टॉप स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। प्रोडक्शन 2012 थे। इसके टोटल 4 यूनिट बने थे। बात करते हैं संटिंग लोकोमोटिव की। इसपे पहला है WDS-1, भारत का पहला संटिंग लोकोमोटिव, जिसे 1944 में इम्पोर्ट किया गया था। ये लोकोमोटिव 386 HP के थे। DS-2 ये लोकोमोटिव अभी सर्विस में नहीं है। WDS-3 इस मॉडल के सारे लोकोमोटिव WDS-4C के रीबिल्ड थे, जो कि 618 HP का था। WDS-4, WDS-4A, WDS-4B एंड WDS-4D डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव, जिसे चित्रंजन लोकोमोटिव के द्वारा बनाया गया था। इसकी आउटपुट पावर 600 से 700 HP की थी। WDS-4C जिसे रीबिल्ड किया गया था WDS-3 से। WDS-5 ये लोकोमोटिव इंडस्ट्रियल संटिंग के लिए यूज किए जाते थे। इसकी रेटेड पावर 1065 HP की थी। WDS-8 स्टील वर्क में सर्विस के लिए यूज किए जाते थे, जिसका रेटेड पावर 800 HP का था। तो इंडिया में संटिंग के लिए कोई भी लोकोमोटिव इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव नहीं है, सारे संटिंग लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव थे। इस तरह से इंडियन रेलवे में यूज होने वाले सारे डीजल लोकोमोटिव की लिस्ट को आपने देखा। इंडियन रेलवे ने अभी तक इतने डीजल लोकोमोटिव यूज किए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।